हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप का फुल फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं, एक नया और फ्रेश फुल फॉर्म। चलिए गूगल क्रोम में वजह सबसे पहले हम पहुंचते हैं और यहां पर लिखते हैं यूपी स्कॉलरशिप 2024। यहां पर एक वेबसाइट आएगी, इसी वेबसाइट पर ओपन करेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप की। तो यहीं से दोस्तों आप प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, अदर देन सभी का यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इंटरमीडिएट का अप्लाई करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर अब पूछ रहा है कि आप किस वर्ग से हैं, ST ST हैं या फिर OBC हैं या फिर अल्पसंख्यक में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर ST ST का जो है भरने वाले हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति वाले का। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है प्री मेट्रिक फ्रेश हैं, तो यहाँ पर अगर 9th और 10th का भर रहे हैं तो प्री मेट्रिक पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो है 11th या 12th का भर रहे हैं तो जो है पोस्ट मेट्रिक पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर पोस्ट मेट्रिक पर क्लिक किए हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जिला का चुनाव करना होगा। आपका जो भी जिला होगा उस जिला को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने जिला का चुनाव कर लिया है। दोस्तों इसके बगल में आपका शिक्षण संस्थान दिख रहा होगा, इसमें दोस्तों आप अपने स्कूल का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप अपने स्कूल का नाम जो है ढूंढ लेंगे। चलिए हम यहाँ से अपने स्कूल का नाम जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ से अपने स्कूल का नाम पता कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्कूल का नाम मिल गया है तो सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अब आएंगे तीसरे नंबर पर वर्ग एवं समूह। यहाँ पर आपका जो है कैटेगरी क्या है, अनुसूचित जात है, समान है या फिर अनपिछड़ा वर्ग है। तो यहाँ पर अनुसूचित जात का है तो हम यहाँ पर अनुसूचित जात पर टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर अपना धर्म सिलेक्ट करेंगे, हिंदू कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो छात्रा का नाम क्या है, तो नाम दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना होगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपका दोस्तों आधार कार्ड में नाम कुछ और है और दोस्तों यहाँ पर 11th या फिर 10th की मार्कशीट में और है, तो दोस्तों सबसे पहले उसको एक जैसा करेक्शन करा लीजिएगा, तब दोस्तों यहाँ पर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कीजिए। अदरवाइज यहाँ पर जो है आपका पैसा आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अब आएंगे 8वें नंबर पर। दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल आप किस सन में उत्तीर्ण किए थे, मतलब पास किए थे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपका बोर्ड क्या था, CBSE बोर्ड था या फिर UP बोर्ड था, बोर्ड का चुनाव करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का जो अनुक्रमांक है, जो दोस्तों आपका रोल नंबर था, उस रोल नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना जो है हाई स्कूल के मार्कशीट से अपना रोल नंबर को देख लेंगे और यहाँ पर रोल नंबर को फिल कर लेंगे। रोल नंबर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने फिल कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 10वें नंबर पर स्वनिर्मित पासवर्ड, तो दोस्तों यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड जो कि इसमें लॉगिन करने के लिए काम आएगा। तो पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों 12वें नंबर पूछ रहा है निःशुल्क आपका प्रवेश हुआ है स्कूल में या फिर आपको शुल्क देना पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है शुल्क देना है, इसलिए हम यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड बना करके जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड दोस्तों यहाँ पर अल्फाबेट, न्यूमेरिक और नंबर मिला करके बनाना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP भेजा जाएगा। इस OTP इस कलर में फिल करेंगे एंड कैप्चा इस कलर में फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट फॉर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए हमने यहाँ पर फिल कर दिया है, अब यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहां पर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा यहां पर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यार नोट कर लेंगे या फिर इसको फाइनल प्रिंट कर लेंगे। चलिए हम यहां पर इसको प्रिंट ही कर लेते हैं। यहां पर हमने इसको प्रिंट कर लिया है, प्रिंट करके रख लेता हूं अपने पास हैंड कॉपी। अब यहां पर वापस से आएंगे, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर दोस्तों देखेंगे कि एक रिन्यूअल लॉगिन दिख रहा है, एक फ्रेश लॉगिन दिख रहा है। तो अभी हमने नया फॉर्म भरा है तो फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। चलिए यहां पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर क्या है कि आपको सामने एक लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा। इस लॉगिन फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल फिल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। चलिए हमने यहाँ पर सारा डिटेल भर करके लॉगिन कर लिया है। अब आपके सामने यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर डिजी लॉकर पर सत्यापन करना होगा। तो डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक है, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन दिख रहा होगा, इसी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपने पहले से अपने मोबाइल फोन में डिजी लॉकर को बना लिया है तो उसका user ID और पासवर्ड डालकर यहाँ पर नेक्स्ट कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपने पहले नहीं बनाया है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर डाल करके एक नया अकाउंट बना लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर जैसे फिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर से बढ़ता नहीं है, लेकिन जैसे चलिए हम कोशिश करते हैं मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद पर पासवर्ड बनाएंगे एंड साइन इन करेंगे तो दोस्तों यहां पर ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, आधार वाले पे टिक करेंगे। यहां पर आप आधार वाले पे टिक करेंगे एंड यहां पर आपको आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ पर ला करके फिल कर देंगे। तो चलिए अपने मोबाइल से OTP निकालेंगे, OTP यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम OTP निकाल करके सबमिट करेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर
ये डीजी लॉकर में सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सेकंड आप वेट करेंगे क्योंकि इसकी साइट जो है थोड़ा, अब दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है कि अब आप इसमें एक 6 अंक का इंटर पिन बना लेंगे। दोस्तों चलिए हम यहाँ पर 6 अंक का एक नंबर पिन बना लेंगे और उसको याद रखेंगे क्योंकि आगे यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकता है। यहाँ पर पिन बना लेंगे। पिन बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो डिजी लॉकर में है इसका जो है आपके सत्यापन कर लेगा, अलाउ कर देंगे। अलाउ कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपके आधार कार्ड में जितना सारा डिटेल होगा सारा डिटेल यहाँ पर ला करके दे देगा। देखिए यहाँ पर आपका फोटो, नाम एंड दोस्तों आपका जेंडर एंड यहाँ पर विलेज सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अब आपका यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे इस वाले स्टेप पर, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आवासीय पता आपको फिल करना होगा, आप जिस घर पर रह रहे हैं आपको यहाँ पर अपना आवासीय पता फिल करना होगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ पर एक एक टॉपिक को कवर करके बताया है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, दोस्तों अगर आपका दोस्तों ये आवासीय पता दूसरा है और जहाँ रह रहे हैं उस पता दूसरा है तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम में फिल करेंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हाई स्कूल का दोस्तों यहाँ पर स्कूल का प्रतांक, आपने मार्कशीट में कितने नंबर पाए थे उसको फिल करेंगे। उसके बाद पूर्णांक फिल करेंगे एंड यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या है, अगर आपने यहाँ पर 11th के लिए कॉल कर रहे हैं तो दोस्तों 11th का, या फिर 12th के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 12th को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम में यहाँ पर प्रवेश तिथि, आप जो है इसमें जैसे कि आप अभी 11th में हैं 12th में आए हैं तो दोस्तों आपने जब 12th में आपका रजिस्ट्रेशन वो करवाया है एडमिशन तो उसका यहाँ पर डेट फिल करना होगा। डेट फिल करने के बाद पंजीकरण का बोर्ड क्या था, उसके बाद यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड था तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आवासीय पता है या फिर दोस्तों शहरी है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको दीवा छात्र सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो यहाँ पर आवासीय करेंगे, अगर आप घर पर रहें तो दीवा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अनुवादित नॉन, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, आपका जो भी यहाँ पर शुल्क लगा होगा तो रखेंगे ना, यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा, गत वर्ष छात्रवृत्ति, अगर आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति मिली है तो यहाँ पर उसका नंबर सील करेंगे या फिर इसको 00 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि वर्ष की कक्षा क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों गत वर्ष की कक्षा हमारा जो है 11th है क्योंकि अभी हम 12th में है। उसके बाद गत वर्ष की परीक्षाफल क्या था, तो परीक्षाफल आपका प्रमोड था कि पास था, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पर पास था तो पास पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूर्णांक क्या था, तो पूर्णांक को यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रातांक क्या था, आपने नंबर कितने पाए थे, नंबर को यहाँ पर आप जोड़ लेंगे। उसके बाद फिल कर देंगे। शिक्षा संस्थान का नाम क्या था, स्कूल का आप दोस्तों मार्कशीट में देखकर कंप्लीट नाम फिल कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि छात्र के यहाँ पिता का विवरण, अगर आपके पिता या फिर माता में से कोई पढ़ा लिखा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पर कुछ टिक बॉक्स लग रहे हैं इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस कैप्चा को सिंपल से भरेंगे और सबमिट कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर इस कैप्चा को करके सबमिट करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ये प्रविष्टियाँ भरी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर वापस जाएंगे, होम पेज पर क्लिक करेंगे, सफलतापूर्वक भरी गई हैं। चलिए होम पेज पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर तीसरे स्टेप तक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आवेदन को संशोधित करें, इसको अभी आप नहीं छुएंगे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये बाद में इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर दूसरे वाले नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है आय प्रमाण पत्र को जो है सत्यापित करना होगा। तो चलिए यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या और यहाँ पर दोस्तों आपका प्रमाण पत्र का नंबर, उसके बाद इस कैप्चा को दिखाएगा, जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल का एक ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी साइट थोड़ा सा अगर एरर हो जाएगी तो आप दोबारा कुछ देखिए, हमारा एक ही बार में जो है दोस्तों ये आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जो है सत्यापित हो चुका है। उसके बाद अब जात प्रमाण पत्र करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, आज सब दोस्तों यहाँ पर फिल करेंगे आपका जो है आवेदन नंबर एंड उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है जात प्रमाण पत्र है ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जात प्रमाण पत्र भी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर हमारे जो है चार स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप आएंगे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर। दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद हम सबसे मोस्ट बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे भाई लोगों को दिक्कत आने वाली है क्योंकि दोस्तों ये बहुत, अगर आपका आधार का सर्वर लो है तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका जो है ये प्रमाणीकरण नहीं हो पाता। आप बार बार इसको ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए तभी दोस्तों ये होने वाला है। 3 से 4 बार करेंगे जैसे यहाँ पर देखिए प्रमाणीकरण सफल हो गया, लेकिन दोस्तों जैसे आप बैक जाएंगे ना तो बैक जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर होम पेज पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपका प्रमाणीकरण सफल हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमाणीकरण यहाँ पर जो है सफल अभी नहीं हुआ है। दोबारा जाएंगे, दोबारा से यहाँ पर लॉग इन करेंगे, उसके बाद फिर से आप जाएंगे इसी पे आएंगे, यहाँ पर फिर एक बार दो बार तीन बार ट्राई करेंगे तो दोस्तों अंत में आपका हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों अगला स्टेप बढ़ जाएगा।
तो चलिए हम यहाँ पर जो है एक बार फिर से आधार नंबर दोनों में फिल करेंगे, उसके बाद जन्मतिथि यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो है आधार नंबर जो है प्रमाणीकरण हो चुका है और यहाँ पर NPCI का जो है यह भी टिक मार्क हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु, तो चलिए अब इसको हाई स्कूल का रोल नंबर जो है इसको प्रमाणित करना होगा, इसी पर क्लिक करेंगे। तो आपका आधार ऑथेंटिकेट तो हो ही चुका है, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चेक हाई स्कूल बोर्ड APSC, इसी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग कुछ सर्वर का एरर का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ पर जो है वी आर ट्राई अगेन दिखा देगा, ये देखिए दोस्तों वी आर सॉरी दिखा दिया। तो आप दोस्तों यहाँ पर भी 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, जहाँ तक कोशिश करें कि आप 6 बजे या फिर शाम को 9 बजे के बाद कोशिश करें, तब आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि अब हमारा यहाँ पर ये हाई स्कूल का बोर्ड नंबर प्रमाणित हो चुका है, वी आर सॉरी बोला, लेकिन मैंने यहाँ पर होम पेज पे आया तो देखिए हमारा ग्रीन टिक हो चुका है। जांच हेतु आवेदन को प्रिंट करें, अब दोस्तों आप यहाँ को इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जैसे आप यहाँ पर जांच हेतु आवेदन को प्रिंट कर लेंगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 दिनों के बाद इसको फाइनल सबमिट करना होगा। इस आवेदन को प्रिंट कर लेंगे और अपने संस्था पे जाकर के दिखा देंगे, यानी कि अपने स्कूल में दिखा देंगे। दिखाने के बाद दोस्तों वहाँ पर जो डिटेल अगर वेरीफाई हो जा रही है, अगर वहाँ पर दोस्तों जो संशोधन वाला इसीलिए ऑप्शन हमने छोड़ दिया था, उसी पर जाकर के उसको संशोधन कर लेना होगा, अगर जाकर आपकी गलती हो गई फॉर्म में।